रातों रात कंगाल होने वाले सिलिकॉन वैली बैंक की कंप्लीट केस स्टडी सिर्फ एक मिनट। ऑलमोस्ट सारे स्टार्टअप्स उनका पैसा सेफ रखने के लिए अमेरिका की सिलिकॉन वैली बैंक यानी कि SVB में पैसा डिपॉजिट करते थे। एंड जस्ट लाइक अदर बैंक्स, SVB इन्हीं स्टार्टअप्स का कुछ पैसा दूसरे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता था और कुछ पैसा रिजर्व करके रखा जाता था। इनफैक्ट उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट $200 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन US फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बोरो करना मुश्किल हो गया और इसी वजह से रिसेशन, मास लेऑफ और फंडिंग विंटर जैसी चीजें होने लगी। इसीलिए सारे स्टार्टअप्स SVB में पैसा डिपॉजिट करने की जगह विड्रॉ करने लगे और धीरे धीरे SVB के रिजर्व्स कम होने लगे। इन स्टार्टअप्स का डिपॉजिट किया हुआ पैसा रीपे करने के लिए इन्होंने अपने कुछ बॉन्ड्स भी सेल किए, लेकिन हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से उन्हें वहां भी $2 बिलियन का लॉस हुआ, जिससे उनके स्टॉक्स भी क्रैश होने लगे। उनका ज्यादातर पैसा अब इन्वेस्टमेंट में ही अटका पड़ा था और उनके पास जो भी कैश था वो भी अब जीरो हो चुका था। और इसीलिए USA की सबसे बड़ी बैंक SVB रातों रात बंद हो गई।